एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिएगा। गाइस, आज है नवरात्रि का डे 6 और डे 6 आ गया। देखते देखते सोचिए कितना पता ही नहीं चला नवरात्रि का कि 6 दिन बीत गया है, और वैसे देखा जाए तो 3 दिन और है। तो हाँ, 7, 8, 9, 3 दिन और है। 3 दिन तो और ही नहीं पता चलेगा, 3 दिन तो बिल्कुल नहीं पता चलने वाला है। जब 6 दिन बीत गया तो 3 दिन में क्या है। फिर 3 दिन बाद देवी जी का टाइम फिर ख़त्म हो जाएगा। आप नॉर्मली डे की तरह पूजा करिए। इस टाइम का पूजा का थोड़ा सा कहते हैं आपकी अलग ही मज़ा रहता है करने का। जैसे देवी गीत होता है, इतना सजावट मंदिर में रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है नवरात्रि का टाइम। और आप लोग को हम बता दें कि आज हमारे बच्चे का है पेटीएम, तो हमें जाना है स्कूल, तो सोचिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी सारा काम कर लें। तो थोड़ी देर आप लोग से बात वोत करके फिर मैं जाऊंगी उन्हें, क्योंकि हाफ अर्ली के एग्ज़ाम उसके हुए थे तो उसके मार्क्स वगैरह दिखाए जाएंगे, तो हमें जाना है। तो मैं सोची कि पहले घर का सारा काम, की जो डेली वे में काम होता है, खाना वगैरह बनाना, आज बच्चे को स्कूल जाना नहीं था, थोड़ा लेट भी सो के उठी हूँ आज। मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना दिया, किचन की साफ़ सफ़ाई कर दी, और भी जो डेली बेस में मैं साफ़ सफ़ाई करती हूँ सब कुछ मैंने कर दिया है। पापा को भी टिफ़िन वगैरह लगा दिया, फिर हम आ गए ऊपर। सबसे पहले हमने नहाया, आप लोग देख सकते हैं कि आज हम नहा लिए हैं। अभी बाल को सही नहीं किया, बाकी थोड़ा बहुत मेकअप जो करते हैं वो हम कर लिए हैं, क्योंकि हमें जाना है तो जल्दी जल्दी मंदिर की भी साफ़ सफ़ाई सब कुछ करना होगा ना, नहीं तो मम्मी के लिए दिक्कत होगा, अकेले सब कैसे करेंगी, पंडित जी भी आ जाएंगे। और मेरे जाने का टाइम 9:30 तक है, 9:30 से 10 o'clock के बीच में मैं निकलूँगी घर से। तो इसीलिए हम वहाँ वहाँ के आ गए, तो हम सोचे पहले आप लोग से थोड़ी बातें कर लेते, उसके बाद करते हैं हम अपना काम। मंदिर की साफ़ सफ़ाई तो ऐसे फाइनली हम कर चुके हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो अभी मुझे प्रसाद वगैरह लगा के सब कुछ सेट करके रखना है और दिया दीपक वगैरह बनाना है, तो वही रह गया करने के लिए। तो सोचे पहले आप लोग से थोड़ी बातें होती कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं अपना काम करते हैं। तो चलते हैं आज स्कूल, देखते हैं क्या है हमारे बच्चे का प्रोग्रेस। आई होप कि प्रोग्रेस उसका अच्छा होगा, हमें पता है। टिकट करते हैं, टाइम से हम आ जाएंगे, जब तक आरती होगी तब तक तो हम आ ही जाएंगे। चलिए फिर निकलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ छत पे फूल तोड़ने। एक्चुअली है क्या कि फूल वगैरह मम्मी हमारी बोलती हैं कि नहाने से पहले फूल वगैरह तोड़ लेना, क्योंकि नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ा जाता है, दोष होता है। ये हमारे पूर्वज और हमारी मम्मी भी कहती हैं, ये मायके की भी मम्मी यही कहती हैं कि नहाने के पहले फूल तोड़ लेना, नहाने के बाद मत तोड़ना, बहुत दोष पड़ता है। तो इसलिए मैं गई छत पे फूल तोड़ने, और आपको बताया देखिए फूल इतना बड़ा ये पेड़ हो गया ना, फूल इधर उधर था तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था तोड़ने में। फाइनली हमने पूरे छत पे अपनी गार्डन को देखा, उसके बाद ही मैं नीचे आई। जब छत पे जाती हूँ तो पूरे गार्डन देख के आती हूँ। ये देखिए मैं ओजस के स्कूल के लिए घर से निकल चुकी हूँ। आप लोग को बता दें कि बहुत ज़्यादा दूर ओजस का स्कूल नहीं है, फिर भी डिस्टेंस तो है ही। और फाइनली आपको बताएं कि मैं घर से गाड़ी में जब भी निकलती हूँ ना, तो मेरी हैबिट है कि बाहर ही देखते हुए जाते हैं, मेरी पता नहीं क्या आदत है। और ये देखिए यार, राजा साहब बैठे, उनको कोई टेंशन वेंशन नहीं है कि मेरा रिजल्ट आने वाला हो, बेफिक्र लड़का, उसको कोई टेंशन नहीं होती बिल्कुल भी। देखिए मैं ओजस के स्कूल से निकल चुकी हूँ, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था क्लास में, बहुत हैप्पी हूँ मैं। मैं पहुंच गई घर, सारा पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका था, पंडित जी पाठ पढ़ चुके थे, आरती के लिए हम लोग की वेट हो रही थी, क्योंकि मैं और भैया दोनों लोग थे ना, तो इसीलिए देखिए पंडित जी लास्ट में हम लोग आए, तभी उसके बाद संख वगैरह बजाए। एक बात बताएं, पंडित जी से भी इतना लंबा संख बजा रहे, हमने बोला भी पंडित जी आप बहुत लंबा संख बजा ले रहे हैं, कह रहे कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम और भी लंबा संख बजाने की कोशिश करेंगे हम। पे मैं क्यों हंस रही थी आप लोग को बता दें, मैं मम्मी का कुछ मजाक उड़ा रही थी, इसीलिए मैं और मम्मी पंडित जी तीनों लोग हंस रहे। ये आप लोग देख सकते हैं पाठ हो गया समाप्त, अब हो रही है आरती। ये मेरा शाम का रूटीन है, आपको बता दें कि मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे तो सभी को चाय चाहिए था, तो फाइनली मैं वही चाय बनाने गई किचन में, क्योंकि दूध वगैरह कई बार मैं बॉयल करती हूँ ना, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो बच्चे को पीने के लिए अच्छा होता है, इसलिए कुछ दूध वगैरह भी साथ में रख दी थी बॉयल होने के लिए, और चाय भी बना रही थी। आपको बताया पैकेट का दूध के बाद भी मैं और दूध भी डाल देती हूँ कि शुद्ध दूध की चाय पीऊँ, क्योंकि मुझे सिर्फ शुद्ध दूध की चाय अच्छी लगती है और अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। आप कह सकते हो बहुत लोग चाय में कॉफ़ी वगैरह डाल के पीते हैं ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। क्या फाइनली देखिए आप लोग, चाय मेरी बन गई, मैं सबकी चाय छान रही हूँ। एक्चुअली बता दें कि व्रत में हम लोग कप में चाय नहीं पीते हैं ना, इसलिए हम लोग का चाय ग्लास में था, बाकी लोगों का चाय कप में था। देखिए कितना टेस्टी चाय दिखने से ही लग रहा है। यहाँ पे शाम की आरती करने की तैयारी होने जा रही थी, तो मैं सोची क्यों ना कुछ काम अपना निपटा के जाएँ, तो
इसीलिए मैं सबका दूध वगैरह निकाल रही थी, जो भी काम था सोचते कुछ करके जाने पे थोड़ा आराम रहता है, क्योंकि पूजा करते समय थोड़ा टाइम लग जाता है। तो रात का दूध मैं ओजस का, मम्मी पापा मैं सब लोग पीते हैं ना, तो वही सब मैं निकाल उकाल के रख रही थी। और उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी भिगा के रखने होते हैं, क्योंकि भैया खाते हैं हमारे देवर और पतिदेव रहते हैं तो वो भी खाते हैं बादाम, तो इसलिए सब कुछ भिगा, पतिदेव तो है नहीं पर भैया का वही मैं भिगा उगा के रहती। चलिए होने वाली है शाम की आरती। देखिए फाइनली हम लोग आ गए भगवान जी के कमरे में आरती करने। आप लोग भी मेरे देवी जी का दर्शन करिए, प्रेम से बोलिए जय माता दी। थक गई थी इसीलिए मैंने, जो मेरे यहाँ दीदी काम करती मैंने उनसे बोला प्लीज़ यार आटा सान दो। देखिए मैं थोड़े से मखाने हैं, मैं उसको जा रही हूँ फ्राई करने, मम्मी को दे देते हैं क्योंकि उनको भूख लगी थी, तो मैं बोली रुकी थोड़े बहुत मखाने वगैरह फ्राई कर देती हूँ। और आज मैं बनाऊंगी भिंडी की जूस, आप लोग भी घर बनता होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग कैसे बनाते हो ये भी मुझे जरूर बताइएगा। ये देखिए मेरा ये है रात का रूटीन, मैं रात का खाना बनाने जा रही हूँ। क्या ही बताया यार, व्रत का भी बनाना रहता है, सब कुछ करना रहता है, उसी बीच में सब कुछ करते रहते हैं। इधर मैंने मखाना वगैरह मम्मी को दे दिया, तो आज मैं बना रही हूँ, आप लोग को बता दें भिंडी के जूस होते हैं ना, तो वही आज मैं बना रही थी। भैया बोले खाने के लिए मन था, पापा भी बोले, इधर भैया आ गए पानी भरने, तो फिर मैं हट गई, मुझे बोली ये करके जाए फिर मैं बनाऊँ। तो फिर मैं इधर भिंडी वगैरह फ्राई कर रही थी। आपको बता दें कि मैं भिंडी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा कुछ मसाला हैवी नहीं डालती हूँ, सिर्फ जीरे का और तेज़पत्ते का तड़का प्याज दे देती हूँ। फिर थोड़े से मसाले में मैं जीरा अदरक लहसुन और थोड़ा सा प्याज कहिए नहीं तो बस इतना ही मैं पीस के और मसाले भूज लेती हूँ, टमाटर वटर डाल के, बहुत टेस्टी बनता है। आपको बताया कि भिंडी की सब्ज़ी की ग्रेवी अगर पतली रहती है तभी टेस्टी होता है, अगर आप हैवी बना दोगे तो भिंडी की जूस जो कहे जाते हैं सब्ज़ी वो अच्छी ही नहीं लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ा पतला ही बनाती हूँ। इधर मम्मी आई किचन में, हम लोग कुछ बातें भी करने लगे, उसी में मम्मी आई थी ओजस को नमकीन लेने के लिए। ओजस तो मम्मी को हमेशा परेशान ही करता रहता है, कुछ न कुछ, कोई नहीं दादी हैं तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा, तो क्या ही कहा जाए। इधर मैं मसाला भूज रही थी, अभी भैया को देना था पनीर फ्राई करके, मैं पूछ के आई, वो मांगे थे, तो सारा काम यारी के साथ। वो तो कहा जाता है ना कि अगर चार गैस ना हो तो क्या ही बताएं, कुछ नहीं छोड़िए जाने दीजिए, कोई काम ही ना हो पाए। और आप लोग को बताएं कि आज था नवरात्र का छठा दिन, लोग कहते हैं कि आज देवी जी का ग्रीन वस्त्र होता है, सब लोग ऐसे ही कहते हैं, हमने भी सुना है, तो आज इसीलिए मैंने पहन लिया ग्रीन साड़ी, जो कि माता जी के हिसाब से मैं भी पहन ली। और उसके बाद मैंने भैया को दे दिया पनीर फ्राई करके, वो आए थे टिश्यू पेपर लेने, एक्चुअली घी थोड़ा बहुत ज़्यादा रहा होगा तो उन्होंने बोला कि वही टिश्यू पेपर दे दें, तो उस पर थोड़ा सा होता है ना कि स्पंजी कर करके खा लेंगे तो थोड़ा घी कम, क्या करे जल्दी जल्दी बहुत सारे काम होते। इधर मैं भिंडी के मसाले फ्राई कर रही थी, क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो जाता है ना जब पूजा वूजा करके उठते हैं, तो रात में अपना फलहार भी हम लोग को बनाना होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। कोई नहीं यार, 9 दिन की बात है, फिर तो वही करना है, डेली बनाओ खाओ और क्या ही बोले। और देखिए मैं कितनी, आप लोग ये ना सोचना यार कि मैं इतने फास्ट काम करती हूँ, वो एक्चुअली है क्या कि मैंने स्पीड बढ़ा दी है, इसलिए आप लोग को लगेगा कि मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, पर इतना फास्ट भी नहीं करती हूँ ना इतना स्लो ही करती हूँ। और इधर मैं मसाले में आपको बता दें क्या यूज़ करती हूँ, मैं एवरेस्ट का थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देती हूँ, थोड़ा सा किचन किंग डाल देती हूँ, और हल्दी नमक बस इतना ही मसाला डालती हूँ, जो थोड़ा सा मसाला मैं पीस के रखी थी वो मैंने डाल दिया था। फाइनली इधर हमारी सब्जी वगैरह बन रही है, फिर मम्मी से बोला कि चलिए हम लोग रोटी एक साइड बना लेते। देखिए मैं और मम्मी आ गए रोटी बनाने की। चाहे आपको बता दें मेरी सासू माँ मुझे कभी अकेले रोटी बेलने सेकने नहीं देती हैं, इतना तो मैं कहूँगी कि इस मामले में मैं लकी थी कि जो ऐसी सासू माँ मिली हैं। कोई नहीं यार, मैं भी उनका हेल्प करना कहिए जाए, सेवा कहिए, जो भी कहिए, मैं भी करती हूँ तभी वो करती, अगर मैं नहीं करती तो वो भी नहीं करती, बट कोई बात नहीं, वो करती हैं मेरा सपोर्ट। ये भी है कि चाहे कुछ भी मैंने वीडियो जब बनाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहला सपोर्ट उन्हीं का था मेरे लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी कि आप मेरा बहुत सपोर्ट करते हो। बट आज तक मुझे रोटी अकेले कभी नहीं बेलने दी है, मेरी शादी को 8 साल हो गया। फाइनली देखिए मेरी सब्जी बन गई है, बहुत टेस्टी, पापा लोग बताएंगे खा के कैसा बना है। और इधर रोटी भी बन गया, तो बहुत ज़्यादा रोटी वगैरह बनाना नहीं था। फिर उसके बाद मैं करने लगी किचन की साफ़ सफ़ाई, क्योंकि हमें अपना फलहार बनाना था, तो इसीलिए मैं किचन की साफ़ सफ़ाई सोची कर लेती हूँ। और वैसे भी आपको बताऊँ कि मैं खाना बनाती रहती हूँ, एक हाथ से कपड़े से क्लीन करती रहती हूँ, ये मेरी हैबिट है। और आज मैं बनाऊँगी अपने लिए साबुदाने की खिचड़ी, जो बहुत टेस्टी और यमी होता है, मम्मी को मेरे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सोची कि आज वही बना दूँ जिसे उनका भी पसंद हो जाए। और आपको बताया है उससे थोड़ा सा क्या होता है कि हैवी रहता है ना तो पेट भी भरा रहता है, और मम्मी रात भर जगती हैं क्योंकि दीपक वगैरह देखना रहता है, तो भाई उनको भूख लग जाती है। एक तो मम्मी नीचे फ्लोर पे मंदिर रहती है, सेकंड फ्लोर पे, तो मम्मी को बार बार आना जाना पड़ता है, इसलिए दिक्कत होती है। कोई नहीं, तो आज उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि साबुदाने की खिचड़ी बना दो, और रायता वगैरह वो बहुत पसंद नहीं
करती, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। ना दही तो खाने वाला सीज़न ही नहीं, आप लोग भी जानते हो कि सीज़न में हम लोग दही नहीं खाते क्योंकि हम लोग की गले में दिक्कत होने लगती है। तो मम्मी बोली कि नहीं तुम भी मत खाओ। मैं तो खा भी लेती, मम्मी नहीं खाती इसलिए मैं भी नहीं खाती हूँ, फिर भी कोई नहीं। और देखिए यहाँ मैं जीरे का दे रही हूँ तड़का, जीरा और मिर्च का मैं तड़का दे देती हूँ। थोड़ा सा आलू मैं लाल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद डाल देती हूँ मैं टमाटर। और स्पेशली आपको बताया इसमें कुछ मैं नहीं यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देते हैं, और सेंधा नमक डाल के जब थोड़ा सा टमाटर गलता है साबुदाने डाल के मैं ढक देती हूँ। फिर लास्ट में जब मेरा वो हो जाता है, आपको बता दे साबुदाना हो जाता है, तो फिर मैं नींबू गार के और धनिया गार्निश करके फिर हम लोग खा लेते हैं, जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। इधर मैं पापा का निकाल रही हूँ खाना, पापा और भैया दोनों लोग खाएंगे। तो वही मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मेरा हाथ जूठा है, तब तक आप ही चला दीजिए। तो पापा को मैंने काटा प्याज टमाटर का सलाद। आपको बताया मेरे पापा खाना में डेली प्याज और टमाटर का सलाद खाते हैं, तो इसीलिए मैं पापा का खाना निकालने लगी। तो मम्मी बोली कि तुम दे दो, मैं इधर कर चला दे रही हूँ। मम्मी चलाने लगी, कोई नहीं यार सब लोग मिल बांट के कर लो, पता न चले काम वैसे रहता, अगर से प्रॉपर हमें करना रहता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, बट कोई नहीं। पापा का खाना लेके जा रही हूँ देने, और आपको बताया सर पे पल्लू रखती हूँ मैं, साड़ी पे वेयर करती हूँ तो सर पे पल्लू रखे बिना मैं पापा को खाना देने नहीं जाती हूँ। ये आप इसको रेस्पेक्ट कह सकते हो या जो भी कहिए, या बहुत लोग कहते हैं कि आओ ये पूरे गांव जैसी है सर पे पल्लू, पर ऐसा जो भी कहे जाए कि मुझे बड़ों का रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छे से आता है, और मैं रिस्पेक्ट देती भी हूँ आपको बता दूँ, जिससे कि मेरे पापा भी बहुत हैप्पी रहते हैं। क्योंकि हम लोग वो चीज़ नहीं है यार कि बिना सर पे पल्लू रखे पापा के, मम्मी पास तो मैं प्रॉपर वैसे रहती हूँ बट पापा के पास नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है कोई नहीं, जिसके यहाँ जैसे जैसा होता होगा, मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। हाँ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनती है, या साबुदाने की खिचड़ी आप लोग कैसे बनाते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस मेरा साबुदाना ही थोड़ी देर में होने वाला है, और व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल पे कोई भी नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही इंटरेस्टेड और भी व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। देखिए फाइनली हमारा साबुदाना बन गया है, जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी यम्मी बना है, और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा, और जैसे अभी दे रहे हो वैसे। फाइनली मेरा और मम्मी का प्लेट है जो कि बहुत टेस्टी और यम्मी बना। इधर मेरी सासू माँ खा रही, बाय बाय एंड टेक केयर।